नरेंद्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पूरा नाम याद रखो। जो आदमी आपका नाम मिटा सके उसका पूरा नाम याद रखना। जी दर। रेड्डी जी, आप ओवर रिएक्ट मत कीजिए। सिर्फ एक मामूली वर्कर है वो। इस नरेंद्र मोदी को भी खास ऑपोजिशन लीडर्स की लिस्ट में डाल दो, देख लेंगे उसे भी। एक सेकंड में वर्कर से लीडर बना दिया आपने। बड़ी तेज तरक्की कर रहा है ये मोदी। कोई खबर? मैडम, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से वो आजकल दिल्ली में है। गिरफ्तार करो उन्हें। जी मैम। प्रशासन और पुलिस को आदेश दे दो, कल से इमरजेंसी। पुलिस ने हमारे सभी बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? हाँ, यहाँ तक 1,00,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, वो भी बिना मुकदमे के। इसीलिए तो इस सरकार ने प्रेस पे पूरा प्रतिबंध लगा रखा है। इस इमरजेंसी को तोड़ने के लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। नरेंद्र, इन्हें बाहर निकालो जल्दी। बाहर पुलिस आ गई है, आपको अरेस्ट कर रहे हैं। जल्दी से पीछे करो सर। चलिए कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लिया है। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। सब घर ढूंढ मारो, आने जाने का एक ही रास्ता है, कोई बचना नहीं पाए। यहाँ पे जाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मेरे पीछे भी जाओ, यहाँ पे आओ। पुलिस वाले का मुंह देखने जैसा था। हाँ यार, पुलिस वाले के नाक के नीचे से निकल रहा है। हंसो मत, काम पूरा नहीं, अभी शुरू हुआ है। हमें इंटरनेशनल मीडिया के सामने हमारी बात रखनी पड़ेगी, ताकि पूरी दुनिया इस इमरजेंसी के खिलाफ खड़ी हो जाए। पर हमें भी देसी मीडिया मिलेगी कहाँ? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। पागल हो क्या तू? दुनिया भर की पुलिस होगी वहां पर। हाँ, और दुनिया भर की मीडिया और लीडर्स। लेकिन हम वहां पहुंचेंगे कैसे? आपका सारथी बनकर मैं पहुंचाऊंगा, विश्वास है मुझ पर। नमो 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 गूंजेगा ये देश में। नमो 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 न कोई भी होगा रेस में। आंखें इसके पहले रही छोटा सराबी करता ऐसे काम, सोती आंखें हैं जगाती। पहले दिन से ऐसी सोच लेके चलता था ये रोज बदलेगा ये भारत में मिसाल बंदा बन के जोश इतना ज्यादा इसमें खून खोलेगा सभी का सिखा देगा ये दुनिया को भारत का तरीका। सन्नाभी है नीले चल थोड़ा सा चीले आंखों पे कोरे क्यों सरदारी कहां से आ गई। सरदार है, कौन से सरदार को पकड़ू? अरे पकड़ो, सबको पकड़ो। जो बोले सो निहार। अगर हम वहां पहुंच भी गए तो अंदर कैसे जाएंगे? वहां तो हर दरवाजे पे पुलिस तैनात होगी। हाँ, लेकिन हर पुलिस वाला इनका नहीं होगा। ना आप हमारी आजादी को दबा सकते हैं, ना हमारी आवाज को।
protect democracy, but instead to protect a dictatorship. नाव डुबाने के लिए सिर्फ एक ही छेद काफी होता है। इमरजेंसी तो खत्म हुई और उसके साथ स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार गिरी। और 1980 में जन्म हुआ एक नई सोच का, जिसका नाम था बीजेपी। सोच तो बहुत बड़ी, पर इस रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है? मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, परंतु अपने धर्म पर गर्व करना क्या कोई गलत बात है? उद्देश्य यही है कि सारे हिंदू एकजुट होकर नारा लगाएं, गर्व से कहो हम हिंदू। सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक इतना बड़ा आयोजन हमारी पार्टी कैसे संभाल पाएगी? कौन करेगा ये सब? है एक आदमी, वो अकेला काफी है। रथ यात्रा से पूरे भारत में हिंदुत्व की गूंज सुनाई दी। देश के हर प्रांत से लोग आए और बीजेपी का भरपूर समर्थन किया। कमाल कर दिया तुमने। सारे देश के हिंदू जुट गए हमारे साथ। सोच क्या रहे हो बेटा? 13.5 करोड़, 10 करोड़ मुसलमान, 2 करोड़ ईसाई और 1.5 करोड़ सिख हम अब तक हमारे साथ जोड़ नहीं पाए। तो करना क्या चाहिए?